दोस्तों जनवरी 2024 में इंडियन रेलवेज के द्वारा एक ऐसी ट्रेन को लॉन्च किया जाने वाला है जिसके लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान को एक काफी बड़ा झटका भी लग सकता है। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको पीओके के नाम से भी जाना जाता है और पीओके पर हमें पाकिस्तान का कब्जा भी देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीओके के अंदर पाकिस्तान के द्वारा कोई भी मेजर डेवलपमेंट नहीं की गई है, जबकि पाकिस्तान को ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है कि लगभग एक महीने बाद जनवरी 2024 में इंडियन रेलवेज के द्वारा कश्मीर वैली के लिए अब एक डायरेक्ट ट्रेन को लॉन्च किया जाने वाला है। और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि ये डायरेक्ट ट्रेन कश्मीर वैली को इंडिया के सभी भागों से जोड़ने का काम भी करेगी। बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 272 किलोमीटर लंबा USBRL प्रोजेक्ट जिसको उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के नाम से भी जाना जाता है, इस टोटल रेल लिंक की लंबाई हमें 272 किलोमीटर देखने को मिलती है। और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि ये USBRL प्रोजेक्ट अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, यानी कि इस 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का जो काम है वो अब 95% सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और काफी जल्द ये प्रोजेक्ट 100% भी कंप्लीट हो जाएगा। और 100% कंप्लीट हो जाने के बाद ही कश्मीर वैली के लिए डायरेक्ट ट्रेन को लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हमें जम्मू और श्रीनगर के बीच में कोई भी डायरेक्ट ट्रेन देखने को नहीं मिलती है, जिसके कारण जम्मू से श्रीनगर जाने में 6 घंटों से भी ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन जब ये USBRL प्रोजेक्ट 100% बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जम्मू से श्रीनगर जाने में केवल 3 घंटे 30 मिनट का ही समय लगेगा। इसके अलावा इस रेल लिंक के बन जाने के बाद कश्मीर वैली के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं उन सभी प्रोडक्ट को ट्रेन की मदद से इंडिया के बाकी सभी भागों में पहुंचाया जा सकेगा। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।